स्वर्गीय वाजपेयी जी थे, ये भारत के 10वें प्रधानमंत्री, हाँ 10वें प्रधानमंत्री बने थे। और इनका जन्म जो है वो 25 दिसंबर 1924 को, 25 दिसंबर 1924 को ग्वालियर के मध्य प्रदेश में हुआ था। कब हुआ था? हाँ, ग्वालियर के मध्य प्रदेश में 1924 में श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी का जन्म हुआ था। ये एक बहुत बड़े हिंदी के ज्ञाता, कवि, एक बहुत अच्छे पत्रकार और उसके साथ साथ एक बहुत अच्छे प्रवक्ता रहे। प्रवक्ता यानी एक ऐसा व्यक्ति जब वो बोलना शुरू करे तो हजारों की भीड़ उसे सुनने के लिए वहीं रुक जाए। जब ये भाषण दिया करते थे ना, तो लोग इस इंतजार में बैठे होते थे कि और बोले और बोले, अटल जी आपने अभी बोलना क्यों बंद कर दिया, अभी तो आपको और बोलना है। यानी सोचो कि कितना अच्छा बोलते थे। और जब ये भाषण देते थे तो अपनी भाषण में बहुत सारी कविताएं बोला करते थे, जो ये खुद लिखते थे कविताएं, तो वो कविताएं और लोगों को बड़ी पसंद आती थी। ठीक है, तो बहुत बड़े कवि थे, बहुत महान पत्रकार और एक बहुत अच्छे प्रखर यानी एकदम निपुण, एकदम बढ़िया प्रवक्ता थे ये। अटल बिहारी वाजपेयी जो थे वो पहली बार मोरारजी देसाई की सरकार में, पहली बार अटल बिहारी वाजपेयी विदेश मंत्री बने। और बच्चों बताए, विदेश मंत्री बनने के साथ ही साथ इन्होंने दुनिया में भारत की छवि को बहुत मजबूत कर दिया, बहुत मजबूत छवि कर दी भारत की, दुनिया में भारत को जाना जाने लगा। तीन बार जो है, मैंने पहले भी बताया ना तुम लोगों को, तीन बार ये भारत के प्रधानमंत्री रह चुके हैं। इसे लेकर 13 मई 1998 को पोखरण में इन्होंने 5 ऐसे भूमिगत प्रशिक्षण किए जिससे भारत के पास परमाणु शक्ति आ गई। भारत जो है वो एक परमाणु शक्ति संपन्न देश बन गया। मतलब कि भूमिगत प्रशिक्षण क्या होते हैं? जमीन के अंदर, क्योंकि अगर ये प्रशिक्षण जमीन से बाहर होते, खुले हवा में होते, तो उससे लोगों को और जो आसपास की वनस्पति थी, जीव जंतु थे, उन्हें बहुत नुकसान हो सकता था। तो ये प्रशिक्षण इन्होंने जमीन के अंदर किए और इतने चुपके चुपके करे कि किसी भी देश को इसका पता ही नहीं चला। क्योंकि ये प्रशिक्षण करना जो है वो अलाउ नहीं होता है। जो हमारे दुनिया के मजबूत देश है ना, उन देशों के पास परमाणु शक्ति है, वो चाहते कोई और देश परमाणु शक्ति ना बनाए, इसके ऊपर उन्होंने रोक लगा रखी है। पर एक राष्ट्र को मजबूत होने के लिए, देश को मजबूत होने के लिए परमाणु शक्ति की बड़ी जरूरत पड़ती है। तो इन्होंने बड़े चुपके चुपके ऐसे प्रशिक्षण किए और भारत को एक परमाणु संपन्न देश बना दिया। ठीक है, फिर हमारे पास इन्हीं की बदौलत परमाणु शक्ति आ गई। इसके साथ साथ इन्होंने 100 साल पुराना एक कावेरी जो नदी है उसके ऊपर विवाद चल रहा था, 100 साल पुराना वो विवाद, इन्होंने उसका समझौता करवाया, उस विवाद को सुलझाया। इसके साथ साथ बच्चों इन्होंने केंद्रीय विद्युत नियामक आयोग आदि का गठन किया। यानी दूर दूर गांव गांव तक, लोगों तक बिजली पहुंचाने का काम, उसमें इनका बहुत बड़ा योगदान है। बहुत महान महान काम इन्होंने किए, तभी इन्हें क्या दिया गया? भारत रत्न का पुरस्कार, हाँ इनाम, जो कि भारत में सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है, सबसे बड़ा नागरिक सम्मान, इससे बड़ा नहीं है। तो इनके इन्हीं महान काम की वजह से वर्ष 2014 में जब मोदी जी की सरकार आई, तब इन्हें सबसे पहला काम उन्होंने यही किया कि अटल बिहारी जी जैसे महान इंसान को भारत रत्न का पुरस्कार दिया गया। समझ में आई बात? इसके अलावा इन्होंने भारत को, पूरे भारत को रेल योजना से जोड़ने के लिए कोंकण रेलवे की शुरुआत करी। ठीक है, किसकी शुरुआत करी?
किसकी? हाँ, और उड़ीसा के सबसे गरीबी वाले जो क्षेत्र थे उनमें 7 सूत्रीय अमूलन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया। 7 सूत्रीय अमूलन कार्यक्रम जो है वो शुरू किया गया। सरकारी खर्चे पर इन्होंने रोजा इफ्तार जो है वो शुरू किया। सरकारी खर्चे पर लोगों तक रोजा इफ्तार की जो सुविधा थी वो पहुंचाई। इसके साथ साथ सोचो इतने महान महान काम, आवास निर्माण को बढ़ाने के लिए अर्बन सीलिंग एक्ट जो था वो भी इन्होंने समाप्त कर दिया। ठीक है, क्या है? समाप्त किया अर्बन सीलिंग एक्ट। क्या समाप्त किया? अर्बन सीलिंग एक्ट। अब अर्बन सीलिंग एक्ट क्या था? 19 फरवरी 1999 को सदाए सरहद नाम से दिल्ली से लाहौर यानी पाकिस्तान तक इन्होंने पहली बस सेवा शुरू की। इनके समय में ही पहली बार सदाए सरहद के नाम से भारत और पाकिस्तान के रिश्तों को सुधारने के लिए ये बस सेवा की शुरुआत की गई थी। और वाजपेयी जी के समय में ही भारत और पाकिस्तान कारगिल युद्ध जो है वो हुआ, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी की ही रणनीतियों के जरिए भारत को उसमें विजय प्राप्त हुई। और इसके साथ साथ जो गोल्डन कॉरिडोर परियोजना है जिसे स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना भी कहा जाता है उसकी शुरुआत भी वाजपेयी जी के समय में हुई। ये कहा जाता है बच्चों कि शेरशाह सूरी के टाइम पर जितनी रोड जितनी सड़कें भारत में बनी उतनी ही लगभग सड़कें अटल बिहारी वाजपेयी जी ने भारत को दी बनवाई। लगभग पूरे भारत को गांव गांव को सड़कों से जोड़ दिया। 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी जी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया जो भारत का सबसे बड़ा नागरिक सम्मान है। इसके साथ साथ अटल जी ही पहले ऐसे विदेश मंत्री रहे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ में हिंदी में भाषण देकर भारत को गौरवान्वित किया यानी कि भारत का नाम बढ़ाया। इससे पहले कभी किसी ने संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण नहीं दिया था। और सबसे रोचक बात ये रही कि अटल बिहारी जी आजीवन अविवाहित रहे यानी कि इन्होंने शादी नहीं की। और इनकी मृत्यु 16 अगस्त 2018 को स्वास्थ्य खराब होने के कारण दिल्ली के एम्स अस्पताल में हुई। ये बहुत ही महान व्यक्तित्व थे, भारत इन्हें कभी भूल नहीं सकता। ये भारत के रत्न थे।